Voting for Kodarma Lok Sabha will be held in fifth phase on May 20. The Model Code of Conduct has come into force yesterday with the announcement of election dates. While political parties are busy preparing for the election, the district administration is also finalizing the preparation. Apart from Kodarma Assembly, Barkatta Assembly of Hazaribagh, Gande, Rajdhanwar, Jamua and Bagodar Assembly seats of Giridih districts are included in Kodarma Lok Sabha. The total number of voters in Kodarma Lok Sabha is approximately 21,77,000. For security reasons, central forces will be deployed at all the polling stations. After the press conference of the Chief Election Commissioner, Deputy Commissioner Megha Bhardwaj also held a press conference in Kodarma and gave further information regarding the preparation for the Lok Sabha elections and said that nominations can be made till May 3rd for the voting to be held on May 20. He told that this time all the polling stations will be based on a theme. Apart from this, special care will also be taken to ensure that people do not face any inconvenience in reaching the polling booth. लोक सभा 2024 चुनाव की घोषणा ईसीआई के द्वारा कर दी गई और कोडरमा पांच कोडरमा जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें फिफ्थ फेज में चुनाव है जिसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 26 अप्रैल 2024 है और डेट ऑफ पोल जो है वो 20 मई 2024 है। हमारे असेंबली हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पांच कोडरमा में कोडरमा और हजारीबाग और गिरिडीह इन तीनों का थोड़ा थोड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका एरिया पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे चार चेक नाका अभी चालू है डिस्ट्रिक्ट में और नोटिफिकेशन के बाद वो स्टैटिक सर्विलांस टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पहले भी काफ़ी सारे सीजर्स जो है चेक नाका पे किए जा रहे हैं जिनके अलावा आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इन प्लेस आ जाएगा। तो इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग आगामी दो दिन के अंदर बैठक कर लेंगे। तिलैया डैम हमारे यहाँ पे एक विशेषकर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारे यहाँ का, तो तिलैया डैम थीम का एक बूथ हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा रेडियो में काफ़ी जुमित लेया का नाम पॉपुलर हुआ करता था तो उसकी हिस्ट्री निकालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ बना सकें। ग्रीन बूथ या जीरो कार्बन एमिशन या नो प्लास्टिक बूथ, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग चाहते हैं जैसे आपको और भी जागरूक करने के लिए उनको जोड़ने के लिए चुनाव।